ఇయాకన అబుదు వయాకన స్తైన్ సవాబీ ఇచ్చా గయా ఆర్ ఇన్షాల్లా आज के इस जलसे के पैगाम के बाद हमारा कप्तान इंशाल्लाह बाहर आ गया इंशाल्लाह। टाइम चूंकि कम है, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारा कारवाने सिंध, हमें पता है माशाल्लाह सवाबी वाले भी जब निकलते हैं, एक जिले के लोग अगर बन्नू में भी निकलते हैं तो 3 लाख लोग कहलाते हैं, सवाबी भी जाता तो 10 लाख 5 लाख लोग इकट्ठे हो जाते। हम अपना कारवाने सिंध लेकर इसलिए आए कि फैसला साज सोचे, फैसला साज जाने कि एक ही लीडर है जो फेडरेशन को इकट्ठा कर सकता है, जो पाकिस्तान के चारों सूबों गिलगित कश्मीर को जोड़ सकता है, वो इमरान खान है। उसके अलावा ये पार्टियां अब तो रही नहीं, और जो रह भी गई हैं सूबों की छोटी छोटी पार्टीज रह गई हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, आज के जलसे का मतलब जिस अंदाज से मैं उस जानिब से लोगों का एक हुजूम नीचे आता देख रहा हूं, इस जानिब से दूर दूर से लोग आ रहे हैं, ये रुख सवाबी से हटके इस्लामाबाद भी हो सकता है, ये रुख यहां से निकल के अडियाला जेल भी हो सकता है। आप लोग डरपोक तो नहीं हो, कमजोर तो नहीं हो, ना डरपोक है ना कमजोर है, इसलिए कि हमारा लीडर निडर है। हम आईन और कानून के की बालादस्ती को यकीन रखते हैं, हम इस मुल्क को मजबूत करना चाहते हैं, वरना जो सवाबी आ सकता है वो 1.5 घंटे आगे भी जा सकता है। आज हम जब भी मिलते हैं, अभी मैं रोड से आ रहा था तो लोग कह रहे थे कब चलोगे इस्लामाबाद, कब चलोगे रावलपिंडी, क्यों नहीं चलते हो? तो मैं बताना चाहता हूं, फैसला साजो लावा पक रहा है, हर नौजवानों के अंदर लावा पक रहा है, समझो समझो समझो, ये लावा फट गया तो सब कुछ बहा के ले जाएगा, तुम सब बह जाओगे इस लावे के अंदर। आज बांग्लादेश में भी कुछ हुआ है, कीनिया में भी कुछ हुआ था, श्रीलंका में भी कुछ हुआ है, तो चाहते हो को क्या पाकिस्तान में भी कुछ हो? झंडे जरा बताइए, झंडे उठा के बताइए। मैं ये कहता हूं जो कहा झंडे ऊपर करो, तो मतलब यह था कि ये अभी इस झंडे में डंडा भी लगा हुआ है, इस झंडे में डंडा भी लगा हुआ है। ये जो झंडा उठाने वाले हैं डंडा उठाना नहीं चाहते, मजबूर ना करो कि ये नौजवान डंडे लेके निकले तो तुम्हें बहा कर ले जाए। हाँ, मैं आखिरी बात करना चाहता हूं कि आप लोग, आज ये पैगाम है सवाबी का, पैगाम है पूरे पाकिस्तान का, पैगाम है कि रास्ता छोड़ दो, जिसका मैंडेट है उसके हवाले करो, इमरान खान पे जाली मुकदमात खत्म करो, हमारी लीडरशिप पे मुकदमात खत्म करो, इमरान खान को आजाद करो, हमारा मैंडेट वापस दो, इमरान खान को वजीर आजम बनाओ। ये पैगाम सवाबी जलसा दे रहा है।
मुझे नहीं पता लीडरशिप बात करेगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं अगर आपको बातों की बात समझ नहीं आई, ये सारे लोग अगला जलसा होगा सवाबी में ही, लेकिन फिर अब घरों को वापस नहीं जाएंगे, फिर हम अपने कप्तान से मिलने जाएंगे। तो आखिरी बात कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कप्तान के बाद जो क़यादत यहाँ मौजूद है, हम वर्कर जो हैं इंशाल्लाह सो नहीं रहे हैं, जाग रहे हैं।